हम लोग बस निकल रहे थे और तुषार भाई मिल गए। ये इधर से निकले और हम इधर से निकले भाई लोग। ये तुषार भाई, नीलेश भाई, हम लोग सब साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ये बोट वगैरह का बिजनेस में है और अभी हम लोग रोज आइलैंड का कुछ प्लान वगैरह करेंगे। तो भाई लोग, आज हम लोग निकलने वाले हैं वाटर स्पोर्ट के लिए। तो बुलटू को मैंने पार कर दिया वहाँ पे और ये आ गए हम लोग वाटर स्पोर्ट के अंदर। एक्टिविटी के लिए आपको जो है हेल्थ प्रॉब्लम सुन लीजिएगा, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा पेशेंट, प्रेगनेंसी लेडी, साइनेस, माइग्रेंट्स या फिर किसी का एपिलेप्सी है, कान का दर्द है, रिसेंटली कोई सर्जरी वगैरह हुआ है, तो आप अलाउ नहीं हो अंडर वाटर एक्टिविटी के लिए। ये वाला है अपना बोट जो कि तुषार भाई का है, वाटर स्पोर्ट का फास्टेस्ट बोट भाई लोग। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैं तुषार भाई का दे दूंगा। डीप डाइव से रिटर्न है। तो ये आ चुका है अपना अपना तुषार भाई का बोट। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड। काफ़ी खूबसूरत है क्या? अरे एक जापानीज बंक था। हाँ देखा ना, इसके अंदर होगा ना। अरे यार बैग में कैप था तो यहाँ पे घुसते ही नजर आया हिरन भाई लोग। भाई लोग, एक चीज़ मुझसे गलती हो गया, ये रॉस आइलैंड जो है इसका नाम अभी बदल के मोदी जी ने अभी बदल दिया है इसका नाम, और इसका नाम बदल के रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, NSCB आइलैंड। तो ये अभी तो सिर्फ रुइंस में है। अच्छा। इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके वेदर से बचा के इतना ही बचा पाए हैं, और थोड़ा सा रेनोवेट मतलब एक्स्ट्रा बना लेते हैं ये कभी कभी, क्योंकि बिल्कुल फेस पे ब्रिटिश का टाइम पहना ये। हाँ बिल्कुल, ये ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश का बना हुआ है। अच्छा। ये तो तभी चमका के रखा हुआ है। एक्चुअल रुइंस जो बिल्कुल सड़ने वाला है वो एक्चुअल में रुइंस है। हाँ। वो अंदर और भी मिलेंगे आपको। अच्छा। यस। तो गाइज ये है स्टीमर जो यहाँ पे एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश वाले लोग यहाँ पे रहते थे, तो उन्हीं का हेडक्वार्टर जैसा माना जाता है, उन्हीं का कॉलोनी था यहाँ पे, वो लोग रहते थे, उनका 5-star होटल था पूरा यानी। तो पानी कहाँ से क्या लाएंगे, वो पोर्टलर से बोट पे करके लाना, उससे अच्छा क्या करें, इन लोगों ने एक स्टीमर बना दिया
जो कि सॉल्ट वाटर को लेके ये इस इक्विपमेंट के को यूज़ करके पीने लायक ड्रिंकेबल एंड यूजेबल पानी बनाया जाता था वो है। ये तब से वैसा ही है, अब तक कुछ भी इसको ज़्यादा टच नहीं किया गया। नहीं गया। हाँ हाजिर है सर। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ा सिर भी ये भी है। हाँ इससे थोड़ा सा बच के रहने के लिए बोला ना। हाँ इससे ही बच के रहना बोला। कैमरा पकड़ लो आराम से तोड़ के देना गोटा गोटा। मैं ये पकड़ लो तुम्हारा शूट हो रहा है ना। हाँ तोड़ के तोड़ के दो तोड़ तोड़ के तोड़ तोड़ के वो तोड़ तोड़ के अब देगी नहीं भाई वो आ जाएगी तोड़ के दो। तो भाई लोग ये है सेमी सबमरीन जो कि अंडर वाटर भी शो कर सकते हैं और इसमें मैं और नीलेश जा रहा हूँ और ये भाई को बोला बहुत लेकिन ये नहीं आ रहा है कुछ काम है इनको जी अभी तो, नहीं मैं बाद में तो ज्वाइन कर रहा हूँ आप लोग घूम के आओ तो मिलते हैं थोड़ी देर में इनसे। और भाई लोग एक चीज़ बोल देता हूँ मैं आप लोगों को आप देख सकते हो पीछे बहुतों का मन करेगा बहुत सारा कुछ है यहाँ पे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को जब आप डीप डाइव में जा रहे हो ना तो बिना अल्कोहल का जाना है आपको ठीक है। आप अल्कोहल बिल्कुल नहीं ले सकते हो ये बोलना ज़रूरी है ना मतलब किसी भी किस्म का मतलब अनस्टेबल फिजिकल स्टेट नहीं होना चाहिए। आ गया कॉस आ गया ए तो ये रहा कॉस हेलो और ये भाई साहब है सेकंड इंजीनियर बोट का एक्चुअली आई एम फ्रॉम डेक साइड सो ओके सेकंड ऑफिसर हेलो ओके गाइस ओके सो दिस इज बेसिकली आवर सेमी सबमरीन शिप व्हिच इज ऑपरेटिंग इन डे राइट नाउ वी आल्सो हैव द डिनर क्रूज व्हिच इज ऑपरेटिंग इन द इवनिंग आवर्स बट व्हेन वी गो टू द लोअर डेक वी आर नॉट अकोमोडेटिंग मोर देन 50 पीपल सो दैट एवरीवन इज कंफर्टेबल आउट देयर। तो अभी बस वो अभी वहां पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अलग से ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम व्यूअर्स का आइडिया तो पड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है इसको सेमी सबमरीन ये जो पार्ट है ये अंडर वाटर रहता है। कमिंग टू द ओपन डेक या सो दिस इज लाइक गुड प्लेस टू चिल आउट एंड व्हेन यू विल कम अप देयर आफ्टर द अंडर वाटर पार्ट यू विल सी लाइक ऑल द सिनोरिक व्यू एंड प्रेजेंट इन द नॉर्थ बे। थैंक यू से कुछ ऐसा दिखता है भाई लोग जो काफी एक्सोटिक है भाई लोग नाइस। तो आप लोग अगर डीप डाइव नहीं करना चाहते हो तो ऐसे सेमी सबमरीन से भी आप लोग ऐसा नजर है देख सकते हो। आई लव स्कूबा डाइविंग नॉट पे चलो भाई लोग। तो भाई लोग ये सब आपको अगर ना हो तभी आप डाइव लगा सकते हो तो ये आप पॉज करके ध्यान से पढ़ लो इस चीज़ को। तो भाई लोग एक्चुअली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की जैसा ही है पूरा भैया ओके नॉट ओके गोइंग अप गोइंग डाउन होल्ड और स्टॉप ओके फाइनली वी डू हैव अनदर वन इक्वलाइजर सॉरी आई एम गोइंग डाउन यू जस्ट टेक अ ब्रीथ फ्रॉम योर Okay, this is your air source. We need to take a breath from this one. Yeah. After that, you can pinch your nose and blow through your ears. Like this, na? Just blow through your ears. You like this, Bhailog. Okay, it will help to clear your ears. Yes, yes, yes. So for breathing, the second one is without breathing. You have some troubles in breathing or something. Sometimes water will enter into your throat. So you need to clear the water. Okay. So for that. We have a button over here. Okay. You can push this button. This one. Yeah. It helps to clear the water inside this. Okay. Okay. So finally, with mask, sometimes water enter in your mask. So you can clear it by exhaling through your nose by tapping on the top of the mask. You should tap on the top of the mask and exhale through your nose. It helps to clear the water. Water. Okay. So the three solution for the problems. Problems. Okay. So we will try it from here. So let's begin. This is the biting point. You have to bite over here
एंड यू हैव टू okay so we do have another two task mask clearing and regulator recovery okay. So I can breathe under water right okay thank you some लोग अगर कभी आपसे अगर प्राइमरी एयर सोर्स अगर खो जाए तो आप लीन होना है राइट साइड में सोचिए कि मेरा ये खो गया है ठीक है तो मेरे को लीन करना होगा तो मुझे लीन करना होगा राइट साइड में और राइट साइड से मेरे को हाथ सिर्फ ऐसे करके उठाना होगा और मेरे को ये मिल सकता है तो ये था थर्ड जो टेस्ट था वो एनीथिंग हो गया चार पांच जन आज ट्रेनिंग कर रहे थे और शायद मुझे ही शायद मिला तीनों जो टेस्ट होते हैं उसमें क्लीन चीट तो अभी फिलहाल मैं और इंस्ट्रक्टर लोग ही जा रहे हैं तो भाई लोग अभी हम लोग जाएंगे अंडर वाटर लोग एक बार जरूर ट्राई करना भाई लोग